नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रामनगरी पहुंचकर सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए, इसके बाद रामलला के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते नजर आए और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। मंदिर के इंजीनियरों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की। कार्यकारी संस्था के इंजीनियरों को सीएम योगी फिनिशिंग के कार्य को सावधानी पूर्वक करने का आदेश देते नजर आए। आपको बता दें 3000 से ज्यादा कारीगर काम कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण की प्रगति से मुख्यमंत्री संतुष्ट दिखे। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से भी मंदिर निर्माण की प्रगति पर चर्चा की। बता दें कि सीएम योगी आज अयोध्या में ही रात्रि विश्राम करेंगे। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निमिष, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अहम दौरे पर हैं अयोध्या के, जहां पर जायजा भी लिया उन्होंने और बताइए भी जा रहा है कि आज रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, आज मुख्यमंत्री का रात्रि प्रवास अयोध्या में होगा। मुख्यमंत्री अभी समीक्षा बैठक से निकले हैं और थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट से वो अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे, जहां पर अयोध्या के सड़कों के किनारे बनाए जाने वाले भगवान राम के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंगों का जो निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है उसको देखेंगे। इसके साथ ही अयोध्या में होम स्टे के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देंगे और ओल्फ काप का वितरण करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संतों के साथ मुलाकात करके अयोध्या के विकास पर संतों के साथ भी अहम बैठक करेंगे, उनके साथ भोजन लेंगे और भगवान रामलला के मंदिर के परिसर की जो तैयारियां हैं, क्योंकि बीते दिनों संत भी राम मंदिर परिसर में गए थे, उन्होंने भी देखा है करीब से, तो रामलला के मंदिर निर्माण की प्रगति और उससे संत कितने संतुष्ट हैं, अयोध्या में विकास के क्या क्या बात हो सकती है, तमाम विषयों पर आज भोज के रात्रि भोज के दरमियान संतों के साथ वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद रात्रि में राम मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है, जहां पर दीपोत्सव से पहले फिनिशिंग होनी है, उस पूरे क्षेत्र को हो सकता है कि स्थलीय निरीक्षण भी करें, जैसा उनका तय शेड्यूल है। इसके साथ ही फिल्मी सितारों की रामलीला अयोध्या में चल रही है, उसमें भी शिरकत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर चली गई थी। अयोध्या को का जो प्रवेश द्वार है वहां से और अयोध्या की जो पिछले विजिट में उन्होंने डेडलाइन दी थी वीणा चौक से और लता मंगेशकर चौक से और उदया चौराहे तक, वो उसको करीब करीब तैयार कर लिया गया है। शेड्यूल के अनुरूप इस पूरे क्षेत्र को बाकायदा तैयार किया गया है। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री के विकास कार्यों के जिन स्थलों पर निरीक्षण है, कहीं पर भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं, इसलिए जो तय समय सीमा थी उसके अंदर विकास के जो कार्य थे वो पूरे हुए नहीं। इसको लेकर अधिकारी दो दिन से यहां मंथन किए हुए थे, वरिष्ठ अधिकारी यहां कैंप किए हुए थे और अब करीब करीब अयोध्या में प्रवेश द्वार से रामलला के परिसर तक के सभी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। इसलिए जो स्थलीय निरीक्षण या यूं कहा जाए कि रामनगरी के राम मंदिर के साथ जो नगरी का विकास होना है उसका भौतिक सत्यापन मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री कल सुबह माँ सीता के द्वारा स्थापित छोटी देवकाली मंदिर पर जाएंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और इसके अलावा भगवान की परिसर में ही मुख्यमंत्री एक बार राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, उनका कुशल क्षेम जानेंगे। रामनगरी में रामकथा पार्क पर ही परिवहन विभाग की 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर और फिर अयोध्या से मुख्यमंत्री कल सुबह लगभग 10 बजे मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री इस दरमियान अयोध्या के विकास को लेकर सतत प्रयासरत दिखे। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में अयोध्या रहती है, लिहाजा दीपोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा तक क्या क्या खास होगा, क्या क्या होना है, कैसे और दिव्यता भव्यता दी जा सकती है। जो प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान लाखों करोड़ों श्रद्धालु रामनगरी का रुख करेंगे, उनके रुकने की क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे बेहतर तमाम व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं, इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री बात करेंगे। काफी ज्यादा अयोध्या में देखने को मिली, स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया। साथ ही बताइए जो रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है रात्रि विश्राम के दौरान सीएम का? देखिए, मुख्यमंत्री के जो कार्य होते हैं वो बहुत चिरपरिचित हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि वो रात्रि प्रवास के दरमियान अक्सर निकल जाते हैं शहर के विकास करो। जब अयोध्या हो, भगवान राम की जन्मस्थली हो, तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या में संपूर्ण विकास चल रहा है, जगह जगह चलो। मुख्यमंत्री का रात्रि प्रवास का कोई तय शेड्यूल नहीं है, आज रात्रि प्रवास है, लेकिन इस दरमियान अयोध्या के विकास कार्यों की स्थलीय समीक्षा बैठक के बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे, संतों के साथ भोजन का उनका प्रोग्राम है जो रात्रि भोज करेंगे और इतना ही नहीं,
फिल्मी सितारों की रामलीला के मंचन का भी लुत्फ उठा सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा और दीपोत्सव की तैयारियों के लिए के विकास की योजनाएं हैं जो करीब करीब पूरी हो गई हैं या पूरी होने वाली हैं, जिनको पिछले बैठक में शेड्यूल किया गया था, उन सब का स्थलीय निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। और देर रात तक प्रशासनिक अधिकारी हो, कार्यदायी संस्था के इंजीनियर हो, सब अलर्ट मोड पे हैं। सर लगातार बनाए रखे, रमेश बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है और सीएम योगी ने निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस कोमती और उससे संबंधित उपकरण मिसाइल टॉर्पीडो कैनन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। ये संग्रहालय नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा जहां 5000 साल पहले से युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही नौसेना से जुड़े अन्य उपकरणों को भी रखा जाएगा। 23 करोड़ की लागत से बनने वाला संग्रहालय गोमती नदी के तट पर बनेगा। 37,200 वर्ग मीटर यानी कि 7 एकड़ में इकाना स्टेडियम के पास बनेगा। इसके बनने से प्रदेश की जनता नौसेना की वीर गाथा देख सकेगी। इस संग्रहालय में नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया को समझ सकेंगे, साथ ही जनमार्ग के जरिए ऐतिहासिक जल यात्रा को देख सकेंगे। ये भारत के शौर्य और पराक्रम का तो माध्यम बनेगा ही, हमारी युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में जानने का भी एक माध्यम मिलेगा। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के उस अभियान को, जो आज मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, इसको भी गति प्रदान करने का एक माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने शहीद कांस्टेबल संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह के परिजनों को सम्मानित किया। दोनों सिपाही उमेश पाल की सुरक्षा में लगे थे। सीएम योगी ने स्मृति दिवस पर हुई परेड की सलामी ली। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है, अपराधी या तो जेल में है या तो मारे गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश पुलिस बल के बजट में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि की गई। वर्ष 2017-18 में कुल बजट 16,115 करोड़ 18 लाख रुपए था, जो वर्ष 2022-23 में 37,109 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया। वर्तमान में प्रदेश में ऐसा कोई संगठित अपराधी गिरोह नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर बालिकाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों, व्यापारियों में सुरक्षा की भावनाओं को सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। कमलनाथ पर रामगोपाल यादव का बड़ा हमला सामने आया। रामगोपाल ने कमलनाथ को बताया छुटबैया नेता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया छुटबैया नेता। अखिलेश ने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को कहा था चिरकुट। हमें इन पर कुछ नहीं कहना है,
छोटे भाई ये नेता है। मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, अगले कर चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की तकरार न सिर्फ अब तेज हो चली है बल्कि एक कदम आगे बढ़ गई है। 24 के चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच की इस खींचतान से न सिर्फ इंडी गठबंधन खतरे में पड़ गया है बल्कि बीजेपी को फायदा भी होता दिख रहा है। वार पलटवार के इस दौर में अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़कर रायबरेली और अमेठी के नेताओं की आनन फानन में 25 अक्टूबर को मीटिंग बुला ली है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि अब समाजवादी पार्टी को इन दोनों सीटों पर मिलने वाला वॉकओवर इस बार शायद नहीं मिलेगा और अखिलेश यादव यहां से अपने मजबूत प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा देंगे। एसपी और कांग्रेस के बीच ये तकरार बेशक लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। उधर दूसरी तरफ बीजेपी को क्लीन स्वीप के लक्ष्य में मदद भी मिल सकती है। रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ इसलिए भी मजबूत रहा क्योंकि एसपी और बीएसपी ने यहां कांग्रेस को वॉकओवर की मदद दी और इसके अलावा भी करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हो सकती है। बीजेपी ने इन सीटों के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। इनके साथ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं जो समीकरण बना करके आते थे और उनको लगता था कि जात जमात की सियासत करेंगे तो उनका कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन इतिहास गवाह है। 2017 में आपने समीकरण बनाया, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हुआ, नतीजा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाता है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सीधा फायदा पहुंचेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 30 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से अलग होने पर लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंच जाएगा। इसकी वजह भी साफ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर वर्ष 2019 की बात करें तो कई लोकसभा की सीटों में दूसरे नंबर पर रही थी जो नतीजे आए। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट आएंगे और जहां पर पीएम मोदी तुलसी पीठ में जगत गुरु राम भद्राचार्य से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी चित्रकूट में जानकी कुंड स्थित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अस्पताल के एक नेत्र चिकित्सालय भवन का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विशेष सुरक्षा की टीम ने चित्रकूट में डेरा डाल दिया है, साथ ही जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी नवरात्र के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। स्मृति ईरानी ने शक्ति पीठों में दर्शन पूजन भी किया। देवी पाटन मंदिर और संग्रामपुर में कालीकन धाम मंदिर में संध्या काल आरती में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी में हैं और अमेठी की दीदी अमेठी के करीब आधा दर्जन मंदिरों में पहुंचकर अमेठी के लोगों की सकुशल रहने के लिए कामना कर रही हैं और मैं इनसे जानने की खुद ही कोशिश करता हूं कि किस तरीके से अमेठी के लोगों के लिए आज मंदिर में पहुंच रही हैं। नवरात्रि चल रहा है, दीदी मंदिर पहुंची हुई हैं, क्या कामना है? मंदिर में मेरा होना नया नहीं है, बस इतना ही। माँ के चरणों में सभी सुखी हों, सभी के परिवार समृद्ध हों और अच्छा स्वास्थ्य सब करे, माँ के चरणों में यही कामना है। तो सुना आपने, साफ तौर पर कहना है कि अमेठी के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरोगी रहें, यही कामना है। इसीलिए वो अमेठी के मंदिरों में पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर माता रानी से आशीर्वाद मांग रही हैं। पप्पू पांडे, न्यूज 18 अमेठी। गोरखपुर पुलिस ने शातिर बदमाश मनोज साहनी उर्फ टमाटर समेत 3 बदमाशों पर शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन ने इन तीनों बदमाशों की 3 बेनामी संपत्ति को जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत तहसीलदार सदर और सीओ कैंपियरगंज की संयुक्त टीम ने बदमाशों की 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। चिलुआ ताल के मोहरीपुर इलाके में बदमाशों के मकान को जब्त किया गया। उसकी अग्रिम कार्रवाई के रूप में 14(1) धारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन तीनों के 1-1 मकान कुर्क किए गए हैं जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इन तीनों अभियुक्तों मनोज चौहान, मनोज सानी तथा सुनील और बहादुर के मकान कुर्क करने के पश्चात राजस्व धारा टीम के साथ में इसमें सील कर दिया गया है।
और बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां गौ तस्कर आरिफ के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला है। 15 करोड़ से अधिक कीमत की ग्राम समाज की 16 बीघा जमीन में अवैध रूप से यह निर्माण किया गया था। इसके बाद आज प्रशासन ने जमींदोजी से कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। खुर्जा के इस्लामाबाद इलाके पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। कौशाम्बी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद पर बड़ा एक्शन हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 19 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मकान, ईट भट्टा, प्लॉट, 12 लग्जरी कार कुर्क। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। मोहम्मद सऊद पर 12 से ज्यादा आपराधिक मामले, हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और रंगदारी के मामले थाने में दर्ज हुए हैं। थाना संदीपन घाट के लोहरा गांव में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक यूपी गैंगस्टर है के साथ बुलडोजर लेके पहुंची है और यहां पे पुलिस प्रशासन लगातार तो में आप साथ देख सकते हैं। यहां कौशाम्बी की पुलिस की ओर से भागवादी पार्टी का पूर्व ब्लॉक प्रमुख इस पर 12 से ज्यादा अपराध हुआ। लूट के भी कई मामले दर्ज है। रंगदारी के हाल ही में मामला सामने आया था। यहां पे कुल की किया गया है जिसमें से ईट भट्टा अपराध संख्या 204/2023 धारा 2। और नोएडा में भी पुलिस ने चिन्हित कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुख्यात माफिया रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य ब्रिजानंद पर कार्रवाई हुई है और पुलिस ने करीब 8 करोड़ 78 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। सभी को अवगत कराना है कि पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध कांग्रेस और एसपी में छिड़े घमासान के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस चाहेगी तो गठबंधन बरकरार रहेगा। कांग्रेस के एक बड़े नेता का मैसेज आया है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। जल्द अखिलेश और कांग्रेस के बड़े नेता के बीच हो सकती है मुलाकात, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक मैसेज आया है और जल्दी इस पे फैसला होगा। क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर एक, कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना, इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चेरी काउंटी सोसाइटी में लिफ्ट अटक गई। लिफ्ट में बुजुर्ग महिला समेत 4 लोग करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। लोगों का कहना है कि अलार्म बजाया लेकिन इमरजेंसी बटन काम नहीं किया। शोर मचाने के बाद सुरक्षा कर्मी और सोसाइटी के लोगों ने लिफ्ट खोलकर सभी को बाहर निकाला है। मथुरा में स्कूल वाहन क्रूजर और मैक्स पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल छात्र और चालक को चोटें आई हैं। आपको बता दें कि स्कूल गाड़ी में 6 छात्र थे। हादसा थाना जमुना पार क्षेत्र में यमुना पुल के पास हुआ है, जहां पर स्कूल वाहन और पिकअप की टक्कर हो गई। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर के साथ लाखों की लूट को वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ज्वेलर को अस्पताल में भर्ती करवाया। मंडराक थाना इलाके के मथुरा बाईपास की पूरी घटना। 1 करोड़ कीमत की 1600 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद कर ली है। पुलिस ने 2 DCM से शराब ले जा रहे 3 तस्करों को भी धर दबोच लिया है। ये लोग वाराणसी की ओर से शराब लेकर झारखंड जा रहे थे। पुलिस की पूछताछ में इस पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ। दरअसल तस्करों ने कहा कि उन्हें सिर्फ शराब पहुंचाने का काम दिया गया था। शराब की डिलीवरी लेने वाला शख्स कोडवर्ड उत्तराखंड का पानी है क्या के जरिए शराब लेकर जाता है। अब पुलिस इस कोडवर्ड वाले शख्स की तलाश कर रही है। पुलिस की कोडवर्ड में लोगों से बात हो जाती थी और ये शराब से भरे हुए डीसीएम उसको हैंडओवर करते थे। 3 से 4 घंटे बाद खाली करके वापस ये डीसीएम उनको मिल जाते थे और लेके चले जाते थे। तो हम लोगों को सूचना मिली थी, इसको लेकर हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और उसी के क्रम में सफलता हाथ लगी है। इसमें 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और बाकी इसके लिंक्स कहाँ कहाँ है इसको डेवलप किया जा रहा है और इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर पूछताछ में क्या बताया?
और कानपुर में किसान बाबू सिंह की आत्महत्या के मामले में फरार बीजेपी नेता प्रिय रंजन उर्फ आशु दिवाकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी दूसरी बार अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आरोपी आशु इसके पहले भी अर्जी दाखिल कर चुका था। आशु के वकील ने कोर्ट में झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा। अब पुलिस कुर्की के लिए प्रिय रंजन दिवाकर के घर के बाहर मुनादी कराएगी, उसे भगोड़ा घोषित करेगी। Wrong fact submission in the court और forgery with the entire process. तो जो forgery उन्होंने इस पूरे के पूरे process में किया है और जिस तरह के गलत documents उन्होंने बना के दिए हैं, ये भी हमारी विवेचना का हिस्सा है। और अपराध से बचने के लिए, विवेचना से बचने के लिए भागते हुए उन्होंने पुनः अपराध कारित कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली के व्यापारी को बंधक बनाकर 3.25 करोड़ रंगदारी वसूली करने वाले 7 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का। आपको बता दें कि 8 आरोपियों ने दिल्ली में एक व्यापारी का अपहरण किया था और फिर उसने 2.75 करोड़ रुपए की वसूली की। बहरहाल पुलिस ने 2.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। में टीम बनाई गई और उसमें हम लोगों को बड़ी सफलता मिली, जिसमें हम लोगों ने 7 लोग को गिरफ्तार करा है और साथ ही साथ इस 3.25 करोड़ में 2.25 करोड़ रुपए की कैश की रिकवरी भी हमने कर ली है। सर, शशांक को त्यागी किस तरीके से जानता था, क्या उसको पता था कि इतनी मोटी अमाउंट एक साथ दे सकता है, वो भी कैश में? बिल्कुल, शशांक त्यागी बताया जा रहे हैं कि सहारनपुर से पूर्व से ही परिचित थे, पहले पड़ोसी हुआ करते थे और उसको कहीं ना कहीं पता था कि व्यापारी है और ये तुरंत ही इस तरह का कैश भी अरेंज कर सकते हैं। तभी उन्होंने फोन करके करोलबाग से और आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया से ये 3.25 करोड़ रुपए कैश की डिलीवरी भी करवाई थी। और मेरठ में बदनाम होटल पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जिस्म फिरोशी और लव जिहाद फैलाने की शिकायत पर पुलिस प्रशासन एक्शन में दिखा। अब तक 7 होटल सील कर दिए गए हैं। मामला थाना परतापुर क्षेत्र का, जहां पर पुलिस प्रशासन ने जब चेकिंग की तो शहर के 7 OYO होटल मानकों पर खरे नहीं उतरे, इसके बाद उन्हें सील कर दिया गया है। यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया, इसमें कुल 9 होटलों को चेक किया गया, जिसमें मेन तौर पे ये चेक किया गया कि वो सराय एक्ट में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, उनकी CCTV फुटेज वो रखते हैं 1 महीने की नहीं रखते हैं, इसके अलावा पार्किंग की क्या व्यवस्था है, फायर NOC है कि नहीं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग की NOC है कि नहीं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने जाँच की और जो होटल ठीक नहीं पाए गए उन्हें सील किया गया है। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।